नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आज ये कैसा अजीब सा वीडियो मैंने स्टार्ट किया है। ये एक पैन में पानी बॉयल हो रहा है, आप देख रहे हैं। आज हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है गुड और बैड, लेट्स ट्राई डैट। तो आज हम एक नई डिश बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पानी वाला मटन। यहाँ पर पानी बहुत तेजी से बॉयल हो रहा है और यहाँ पर कुछ खड़े मसाले मैंने रखे हैं जो इस पानी में मैं डालूंगा, जिसमें सबसे पहले दो बड़ी इलायची, कुछ छोटे से टुकड़े दो तीन दालचीनी के, और यहाँ पर मैंने चार पीस लौंग के लिए हुए हैं और कुछ छोटी इलायचियाँ हैं जो मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये नॉर्मल खड़े मसाले हैं। ये काली मिर्च है जो इसमें थोड़ा सा तीखापन और एक पेपरी टेस्ट ऐड करेगी। ये भी मैंने इस बॉयलिंग वाटर में डाल दिया। आप देख रहे हैं जब पानी एकदम बॉयल हो गया है तब मैंने सारी चीजें इसमें ऐड करनी शुरू करी हैं। और लास्ट में इस मटन की स्मेल को रिमूव करने के लिए तीन क्लॉव मैंने गार्लिक के लिए हैं, जिन्हें हल्का सा मैंने क्रश कर लिया है। ये भी मैं इसमें डाल देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये सारे मसाले इसके अंदर चले गए हैं और ये लगभग आधा किलो 400 ग्राम के आसपास मटन है और ये पानी लगभग आधा लीटर मैंने इसमें यूज किया है। तो अब इस आधा लीटर पानी में मैं इस मटन को डाल दूंगा। मटन का कट आप अपनी चॉइस का यूज कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डिश है ये। कहीं पर मैंने इसको मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ किसी डिश को बेस मानकर, जिससे मैं इसको बना रहा हूँ। आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते हैं इसको ट्राई करके ये कैसा बनता है, फिर हम आगे बताएंगे आपको। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और अभी इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके की है। कभी कभी इसमें ऊपर झाग भी आ जाता है, अगर वो आ जा रहा है तो आप उसे किसी छन्नी की मदद से रिमूव कर सकते हैं। धीरे धीरे, पर्पज़ ये है कि हमें इसको इसी पानी में पकाना है। जब ये गल जाएगा तो फ्लेम को थोड़ा तेज करके हमें इसका पानी सुखा देना है, और एकदम लास्ट स्टेज में मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड करूँगा। तो फिर वो जैसे ये थोड़ा सा और अच्छे से पक जाएगा तब मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी 30 मिनट्स लगभग पूरे हो चुके हैं और धीरे धीरे कुछ और चीज़ें मैंने इसमें मिलानी शुरू कर दी हैं। मैं थोड़ा वीडियो बनाना भूल गया था। मैंने अभी इसमें थोड़ी सी आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है और अब मैं लगभग आधा ही चम्मच जीरा पाउडर डाल रहा हूँ और आधा ही चम्मच से भी कम, बहुत जरा सा गर्म मसाला। ये सारी चीज़ें इसमें थोड़ी सी फ्लेवर ऐड करेंगी। आप देखिए पानी इसका कितना कम हो गया है। मुझे देख के लग रहा है कि स्लो फ्लेम पे लगभग 80-90% कुक हो चुका है मटन अभी। तो स्लो फ्लेम पे 10 मिनट मैं इसे और पकाऊंगा। उसके बाद अगर इसमें पानी रह जाएगा तो वो पानी को मैं तेज आंच पे सुखा दूंगा, जो कि इस मटन के ऊपर एक लेयर सी बनाएगा जो बहुत अच्छा टेस्ट देगी खाने में, ऐसा लगता है। लेट्स ट्राई, बताते हैं आपको। दोस्तों लगभग 40 मिनट हो चुके हैं, आइए देखते हैं क्या हाल है हमारे मटन का। देखिए इसमें पानी से यखनी जैसी बन गई है और इसको एक बार और चेक करूंगा कि ये फाइनल स्टेज में। आप देखिए काफ़ी थिक होती जा रही है ग्रेवी और ये इसके ऊपर लपेट जाएगी। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है मटन की रेसिपी, जो लोग मतलब बहुत फ्रिक्वेंट मटन खाते हैं और मसालेदार ग्रेवी वाला मटन खा खा के बोर हो चुके हैं और वो मटन के नेचुरल टेस्ट को एंजॉय करना चाहते हैं, वो ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक ये फिनिशिंग टच पे है। अब मैं तेज आंच करके इसको थोड़ा सा, इसका जो पानी रह गया है वो सुखा देता हूँ, फिर एक बार फिर आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन क्या है। अभी आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसका पानी सूख कर इसके ऊपर बोटियों के ऊपर लगता जा रहा है। आप देखिए इनका किस कलर कितना ही शाइनी और टेम्पटिंग होता चला गया, एकदम से चेंज हो गया इनके कलर्स, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। बस अब इसकी प्लेटिंग करके मैं देखता हूँ कि ये बने कैसे हैं। आई थिंक आप लोगों को ये कैमरे में ठीक से दिख रहा हूँ। देखिए अब इसकी प्लेटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये कितना शाइनी दिख रहा है। ये जो जो भी ग्रेवी थी पानी, वो सूख के इन बोटियों की देखिए किस तरीके से इसने शाइन बढ़ा दिया और ये बहुत बहुत अच्छा गल गया। अभी काफ़ी गर्म है तो मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट ये बहुत ही बढ़िया बना है।
और टेस्ट भी इसका अच्छा है। बनाते वक्त सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल जितना आप सॉल्ट डालते हैं उससे आधा सॉल्ट डालिएगा, क्योंकि मेरे में सॉल्ट ज्यादा हो गया है, क्योंकि वो पूरा सूख कर इसके अंदर समा जाता है। बाकी ये बहुत अच्छा बना है, आप जरूर ट्राई करिएगा अगर आपका मन हो बिना ग्रेवी और मसाले और स्पाइसेस का बना हुआ, क्योंकि एकदम माइल्ड मसालों से बना है और इसमें कोई भी एडिशनल चिकनी ऑयल वगैरह नहीं डाला गया है। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है। थैंक यू।